नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर खबर द्वारा आज एक खबर, गांधी का चश्मा, गांधी दर्शन समिति की कार्यशैली पर कर रहा सवालिया निशान, खड़े स्लग से चलाई गई, जिसको लेकर गांधी दर्शन समिति के संयोजक और आयोजक तो अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागे, लेकिन उसके दूसरी ओर खबर चलने के बाद कांग्रेस सेवा दल कार्यकर्ताओं ने संबंधित खबर से संज्ञान लेते हुए आज शहर का ऑक्सीजन हब कहलाने वाले गुलाबबाग परिसर में स्थित गांधी मूर्ति के समक्ष पहुंचे और एक लंबे अरसे के बाद गांधी जी को चश्मा लगा ही दिया। आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार का गठन होने के साथ ही गांधी दर्शन समिति का संयोजक पंकज शर्मा को नियुक्त किया गया, जिन्होंने बीते सालों में कई कार्यक्रमों का संयोजन कर महात्मा गांधी के बताए कदमों पर शहर जन को चलाने का काम करने के लिए उनकी विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन वह स्वयं कितने गांधी भक्त बनने में सक्षम नजर आए, जो कि गांधी जी के चश्मा ही नहीं लगा पाए, जिसको लेकर शहर की मीडिया सदैव समिति की कार्यशैली पर सवाल करती रही। लेकिन आज कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने कौशल आमेटा के नेतृत्व में आखिरकार गांधी जी को चश्मा लगा ही दिया। कांग्रेस सेवा दल कार्यकर्ता कौशल आमेटा ने बताया कि पिछले लंबे अरसे से संबंधित कार्य करने वाले जिम्मेदारों को कई बार अवगत कराते हुए गांधी जी के कलर और रंग रोगन करवाने का काम तो कर दिया गया था, लेकिन बार बार कहने के बाद भी जिम्मेदारों ने चश्मा नहीं लगाया। कार्यक्रम के दौरान विनय शर्मा, प्रवीण मिश्रा, मानव, संदीप सिंह राजपूत, यश सेन आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनको यहाँ पर बहुत संघर्ष किया आज़ादी के लिए, और वर्षों से इनका कोई चोर चश्मा लेके चला गया, और आज तक हमारी अभी जो टीम आई है उन्होंने उनको चश्मा पहनाया और पूरा रंग रोगन करवाया। इसलिए नगर निगम से अनुरोध है कि वो सभी नेताओं की तरफ ध्यान दे और हर साल उनको रंग रोगन कराए और माला पहनाए। आज हम सभी सेवा दल के कार्यकर्ता काफी समय से हम संघर्ष कर रहे थे। पहले तो गांधी जी की मूर्ति के कलर के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो नगर निगम ने गांधी जी की मूर्ति के कलर तो करवा दिया, लेकिन गांधी जी के चश्मा अभी तक नहीं लगा था। अभी आपने देखा होगा, दो दिन पूर्व उदयपुर शहर में गांधी दर्शन समिति का बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा था, उसका आज ही समापन हुआ है। सबसे शोचनीय विषय यह है, इतना बड़ा प्रोग्राम आज सुबह गांधी दर्शन समिति का हुआ, गांधी जी पे बहुत बड़ी बड़ी बातें की होगी सभी ने, लेकिन गांधी जी की तरफ ध्यान किसी का नहीं गया। अगर राजस्थान सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समिति बनाई है गांधी दर्शन समिति, जिसके नाम से सस्ता चल रही है, अगर हम उनकी परंपरा को नहीं निभा सकते, अगर गांधी जी का चश्मा भी नहीं लगा सकते, यह सोचनीय है। आज हम सभी सेवा दल कार्यकर्ताओं ने और आदरणीय बहुजी जो हमारे को यहाँ घूमते हुए मिले, हम इनके सानिध्य में आज हमने गांधी जी को चश्मा पहनाया है, और कहीं न कहीं हमारे दिल को ठेस थी, आज वो पूरी हो गई हमारी। धन्यवाद।